अरे सीएनजी, आपकी गाड़ी के पीछे सीएनजी का स्टिकर देखा, ये आपकी गाड़ी सीएनजी पर है? जी हाँ। अच्छा, तो पेट्रोल वाला पिकअप तो होगा नहीं इसका? हाँ, पिकअप तो अच्छा है पर माइलेज कम होगा। 70 रुपए में 100 किलोमीटर से ज्यादा चलती है। वाओ, और सेफ्टी? बिल्कुल है, ये ICAT अप्रूव्ड है। पर स्टार्ट करने में दिक्कत जरूर आती होगी। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से छुटकारा पाने के लिए अपने बाइक में लगवाएं सीएनजी किट, कम खर्च में दौड़ेगी बाइक। जी हाँ दोस्तों, बता दें अभी पेट्रोल की यहाँ पे काफी ज्यादा कीमत बढ़ चुका है, ऐसे में इलेक्ट्रिक स्कूटर की और लोग यहाँ पे रुख अपना रहे हैं। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, इलेक्ट्रिक वाली व्हीकल अगर नहीं लेना चाह रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे एक और ऑप्शन है, पेट्रोल गाड़ी को ही आप सीएनजी किट के चेंज करने के बाद आप सीएनजी बाइक बना सकते हैं, सीएनजी स्कूटी आप बना सकते हैं। आइए पूरी डिटेल में बात करते हैं कैसे ये होगा, कितना खर्च लगेगा, कौन सी कंपनी करेगी और सरकार इसमें कितना सब्सिडी दे रही है, सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आप चित्र में देख सकते हैं ये सीएनजी स्कूटर यहाँ पे बन चुका है पूरी तरह से, एक पेट्रोल स्कूटी को सीएनजी स्कूटर बनाया गया है बहुत ही कम खर्च में। आइए हम लोग पूरी डिटेल में यहाँ पे जानते हैं। तो जैसे कि बात है दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से वाहन चालकों में के जेब का जो है सो खर्च दुगना हो गया है। ऐसे में दोस्तों जैसे जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, अल्टरनेटिव फ्यूल के नए अवसर भी मार्केट में आ रहे हैं। इसी कड़ी में एक स्कूटर के लिए आपको सीएनजी किट मार्केट में आ गया है जहाँ पर आप उसको चेंज करवा सकते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि एक तरफ से जहां पेट्रोल की कीमत 90 रुपये प्रति लीटर से ज़्यादा है, वहीं सीएनजी की कीमत लगभग 47 से 49 रुपये प्रति लीटर है। सीएनजी किट के बाद स्कूटर भी 80 किलोमीटर तक का एवरेज देने लगता है। ऐसे में सीएनजी से स्कूटर चलाने वालों के लिए इससे जुड़ी पूरी डिटेल लेकर के आए हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। तो बात करते हैं हम लोग दोस्तों यहाँ पे, तो लेवाटो ने लॉन्च किया है सीएनजी किट। जी हाँ दोस्तों, लेवाटो कंपनी है यहाँ पे, उन्होंने सीएनजी किट यहाँ पे जो है सो लॉन्च किया है। आपको बता दें दोस्तों कि भारत में अभी तक कोई भी कंपनी स्कूटर में सीएनजी किट लगाकर नहीं बेच रही है, लेकिन लेवाटो एक ऐसी कंपनी है जिसने स्कूटर के लिए सीएनजी किट को मार्केट में उतारा है और इसकी शुरुआती में होंडा के एक्टिवा से की गई है। यदि किसी के पास होंडा की एक्टिवा मौजूद है तो आप उसे सीएनजी किट यहाँ पे लगवा सकते हैं। वहीं हम लोग बात करते हैं दोस्तों आगे, तो सीएनजी किट लगवाने में कितना लगेगा खर्च, तो काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि कितना पैसा लगेगा, तो आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो लेवाटो की सीएनजी किट को एक्टिवा में सिर्फ 15,000 रुपये के खर्च में लगाई जा सकती है। यदि आप प्रतिदिन ठीक ठाक स्कूटर चलाते हैं तो यह कीमत एक वर्ष में असूल हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी डेली 50 किलोमीटर चलाते हैं तो आपका 15,000 रुपये एक साल में जो है सो यहाँ पे मेकअप हो जाएगा। वहीं हम लोग बात करते हैं आगे दोस्तों, तो पेट्रोल से भी चलेगी एक्टिवा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पेट्रोल से भी चलेगी। जैसे कि बता दें, कुछ लोगों के दिमाग में यह चल रहा है कि होंडा की एक्टिवा में सीएनजी किट लगाने के बाद पेट्रोल से नहीं चलेगी, तो ऐसे में आपको बता दें दोस्तों कि इसे लगवाने के बाद यह पेट्रोल से भी चलेगी, क्योंकि सीएनजी किट लगाते समय इसमें एक स्विच लगाया जाता है जिससे वाहन चालक अपनी मर्जी के अनुसार सीएनजी या पेट्रोल से चला सकते हैं। यानी यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपको मिलेगा, पेट्रोल वाले गाड़ी में पेट्रोल प्लस सीएनजी दोनों आप चला सकते हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आइए हम लोग आगे जानते हैं। आगे जानने से पहले आज का सवाल आ चुका है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड यानी RIL के मालिक कौन है? ऑप्शन ए धीरू भाई अंबानी, ऑप्शन बी मुकेश अंबानी, ऑप्शन सी दिनेश अंबानी और ऑप्शन डी सुरेश अंबानी। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको सबसे पहले कुछ क्राइटेरिया रखा गया है। सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है, वीडियो को शेयर करना है। जो लोग यहाँ पे इसका सही आंसर देंगे उनको यहाँ पे गिवअवे में नाम शामिल किया जाएगा और टोटल 100 लोगों को यहाँ पे जो है आपको बता दें लेवाटो के तरफ से यहाँ पे आपको सीएनजी किट बिल्कुल फ्री में गाड़ी में लगवा करके दिया जाएगा, जो कि आपका स्कूटी होगा, जो कि जैसे कि हीरो का स्कूटी या TVS का जुपिटर होगा या फिर होंडा का
होगा, प्लेजर, ये सारे में आपको यहाँ पे सीएनजी किट लग जाएगा, जहाँ से आप सीएनजी किट के माध्यम से आप काफ़ी सस्ते में अपने गाड़ी को जो है सो चला सकते हैं। आपको बता दें इसमें सीएनजी किट लगवाने के बाद पेट्रोल और आपका सीएनजी दोनों से चलेगा, इसमें स्विच लगाया जाता है, इसलिए कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नाम शामिल किया जाएगा गिवअवे में और 100 लोगों को यहाँ पर बिल्कुल फ्री में सीएनजी किट लगवा करके दिया जाएगा आप लोगों को। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे करके अपने जो है सो इस गिवअवे में नाम शामिल करवा सकते हैं। बाकी आगे हम लोग चलिए वीडियो में इसके बारे में और भी डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। सीएनजी कितने समय में फिट हो जाती है? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें होंडा के एक्टिवा में इसे लगाने में 4 घंटे का समय लगता है। जी हाँ, मात्र 4 घंटे का ही समय लगता है एक्टिवा में। आगे 2 सिलेंडर लगाकर लगाने के बाद उसे ब्लैक प्लास्टिक से कवर कर दिया जाता है। इसके अलावा सीट के नीचे सीएनजी किट को ऑपरेट करने वाली मशीन को यहाँ पे लगाया जाता है, जिससे कि आपका जो गाड़ी है वो सीएनजी किट से यहाँ पे बन जाएगा। आगे हम लोग जानेंगे दोस्तों कि सीएनजी किट लगवाने के बाद क्या होंगे बदलाव, तो बदलाव के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको बता दें इस किट को लगवाने के बाद यदि आप एक्टिवा को सीएनजी किट से चलाते हैं तो कम ताकत के साथ आपको चलती है, इससे किसी भी अन्य वाहन को ओवरटेक करने में परेशानी यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है सो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है चलेगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में दोस्तों। तो सीएनजी किट वाला सिलेंडर जो है 1.2 केजी का होता है। इससे दोस्तों एक बार भराने के बाद आपको 120 से 130 किलोमीटर तक यहाँ पे सफ़र कर सकते हैं। वहीं इसलिए इसके बारे में बताते हैं, बार बार भरवाने की आवश्यकता यहाँ पे होती है। तो आपको जो है सो 1.2 किलो के यहाँ पे सीएनजी किट लगेगा, वहाँ सीएनजी गैस टंकी आपको उससे जो है 120 से 130 किलोमीटर आसानी से चला सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों, अगर आप भी आपके पास भी होंडा एक्टिवा है या भी कोई भी स्कूटर बाइक है तो उसको सीएनजी किट में बदल सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। खास करके ये स्कूटी के लिए बनाया गया है, बाकी आप बाइक को भी इस तरह से चेंजिंग कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगेगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी कोई भी कंपनी का पेट्रोल स्कूटी है तो आप उसको सीएनजी में कब कन्वर्ट करवा रहे हैं ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए आज की वीडियो समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।